हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है 4 मई 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर के ज़्यादातर सवाल अल्हम्दुलिल्लाह testpoint.pk से आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई डैश टेनिस एवरी सैटरडे। सो ये जो वर्ड है, ये जो एक सेंटेंस है, इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ आपके लिए हिंट ये है कि एवरी, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं। जब ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो 99% जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस हो तो आई के बाद, यू के बाद, वी के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सो आई प्ले टेनिस एवरी सैटरडे, यानी कि मैं हर सैटरडे को, हर हफ्ते को टेनिस खेलता हूँ। सो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म EPI stands for, EPI की अगर हम बात करें तो EPI का फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टबरकुलोसिस TB इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टेरियम कॉल्ड, यानी कि जो TB होती है ये किस बैक्टेरियम की वजह से होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइकोबैक्टेरियम टबरकुलोसिस, यही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस ये होता है, जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमन होता है, यानी कि वो हर जगह पाया जाता है, या फिर वो मिकदार में बहुत ज़्यादा होता है, तादाद में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन वो होता है जो पर्टिकुलर नाउन हो, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, उसके जैसा सेम टू सेम कोई ना हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो कंट्री, वर्ल्ड में अराउंड 200 कंट्रीज हैं, सो ये हमारा कॉमन नाउन है। लेक, बहुत सी झीलें हैं दुनिया में, सो ये भी कॉमन नाउन है। माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत से माउंटेन्स हैं दुनिया में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक ही इस्लामाबाद है, इसके जैसा सेम टू सेम पूरी वर्ल्ड में नहीं है। सो इसीलिए हम इसे कहेंगे दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो ये एक प्रॉपर नाउन है, द नेम ऑफ एनी प्रॉपर, या फिर द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन आर प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वट इज़ एन अदर नेम ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप का जो दूसरा नाम है वो ट्रेचिया है, ट्रेचिया इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है, द लंग्स रिसीव डी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड फ्रॉम, यानी कि जो लंग्स जो हैं, हमारे फेफड़े जो हैं, ये डी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को कहाँ से हासिल करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है पल्मोनेरी आर्टरीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वट इज़ द मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ इन पाकिस्तान। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में वो कौन सी है, वो मलेरिया है, मलेरिया इसका करेक्ट आंसर है। और 25 अप्रैल को मलेरिया का डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद बींग ओवर वेट, तो ओवरवेट जो होता है, बंदा जब वेट ज़्यादा हो जाए तो उसमें टाइप टू डायबिटीज़ पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है। वट इज़ कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जो होती है, इसकी जो मोस्ट कॉमन जो अलामत है वो है वीक यूरिन स्ट्रीम। ये जो ऑप्शंस में था, इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, वीक यूरिन स्ट्रीम इज द कॉमन सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ हर्पस जोस्टर, हर्पस जोस्टर का जो कॉमन सिम्टम है वो है ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो ये है 140 से 90 के दरमियान, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट आर किडनी स्टोन्स मेड ऑफ, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर है। जो किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम से होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन यानी कि जो गुर्दे में पथरी जमा हो जाती है, इसकी कॉमन सिम्टम क्या है, बैक पेन, इसका
करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेचियोस्टोमी? ट्रेचियोस्टोमी का जो पर्पस है वो है टू बाईपास एंड ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। जो ऑप्शंस में दिया गया था वो इसका करेक्ट आंसर है। विच बोन्स आर फाउंड इन रिस्ट एंकल्स एंड टोज? रिस्ट एंकल्स और टोन्स में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो शार्ट होती हैं, शार्ट बोन्स इसका करेक्ट आंसर है। प्लूलर ऑफ थीसिस इज? थीसिस का जो प्लूलर है वो टी एच ई एस ई एस, यानी कि जब यहाँ इसमें आई आएगा तो ये सिंगुलर नाउन है, जब इसमें ई आएगा तो ये प्लूलर नाउन है। शी वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल बाय डैश प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ बेसिकली आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, सो यहाँ हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर प्रेजिडेंट की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान का प्रेजिडेंट है। सो शी वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल बाय द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका करेक्ट ऑप्शन है। वट इज़ द एंटोनियम ऑफ हैप्पी? हैप्पी का जो एंटोनियम है वो सैड है। हैप्पी का मतलब होता है खुश और सैड का मतलब होता है गमगीन या उदास। एम एम आर स्टैंड्स फॉर? एम एम आर की अगर हम बात करें तो एम एम आर का मतलब होता है मीजल्स मम्स रुबेला। मीजल्स मम्स एम रुबेला इसका करेक्ट आंसर है। सारा वुड लाइक टू ईट डैश एप्पल। सो ये तो बेसिक क्वेश्चन है इंतहाई और ये आर्टिकल्स के रिलेटेड है। एप्पल जो कि वावल का साउंड दे रहा है इसीलिए हम एप्पल से पहले एन का यूज़ करेंगे। सारा वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। She will get back on duty in dash day or two. So यहाँ हम इन जो है यहाँ हम ए का बेसिकली यूज़ करेंगे। She will get back on duty in a day or two. यहाँ ए का यूज़ करेंगे। So वो बहुत जल्द ड्यूटी पर एक या दो दिन में आ जाएगी, इसका यही मतलब होता है। डियर व्यूवर्स, इस पेपर के यही क्वेश्चन हमें मिले हैं। अगर आपने पेपर दिया है और आपको क्वेश्चंस याद हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इसे वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे उन क्वेश्चंस को। इस यूट्यूब चैनल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर हम बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोज़ को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।